सो फाइनली गाइस, जैसा कि तुम सबको पता है, मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है। एक कान पकड़ के सेटअप कैसा है तू? बस ऐसे रहे, क्या रखते से? वाह 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 वाह। तो फाइनली गाइस, हम लोग निकल रहे हैं राज भाई के रूम से। एंड भाई, बाहर का जो मौसम हो रहा है ना, इतना सेक्सी हो रहा है ना, मतलब फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए कॉलेज। गर्मी हो रही ना, तुम लोगों को क्या बताऊं। आपका कॉलेज खत्म? फोर्थ ईयर? मैं प्रैक्टिकल ले आया था गाइस। सारे बच्चे हैं स्टूडियो में। तुम्हारा भाई हमेशा की तरह एज यूजुअल लेट, तो बिगो लगते ना जब कोई लेट होता है। फाइनली गाइस, जैसे कि तुम सबको पता है, तुम्हारा भाई कॉलेज पहुंच चुका है। कॉलेज में आते ही भाई हम लोगों को मिले हैं मैन बट लॉक्स। क्या हाल है भाई? लाइट नहीं आ रही, इधर आओ। क्या हाल है भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हमारे वीडियो क्रिएटर गाइस अभी हमारी रील बनाएंगे, और अमन का एक और बहुत तगड़ा सीन है आज के ब्लॉग में। वो इसे भी नहीं पता, इसे मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इट्स अ सरप्राइज फॉर यू भाई। एंड मेरे को सरप्राइज पसंद नहीं है। मुझे पसंद है ना, देना पता। तो हम लोगों का सरप्राइज बहुत ही मस्त वाले होते हैं गाइज। इन्हें मैं दो एक एक किलोमीटर बोल के ना 4 किलोमीटर चढ़ाता हूँ गाइज। एंड आगे व्लॉग में देखना, अमन अमन देखना तुम गाइज। भाई तुम ऐसे बनोगे फौजी, फौजी रोते कभी एक बार बताओ। बोल रहा था व्लॉगिंग में छोड़ दो, मैंने तेरा भाई कराएगा बूस्ट चैनल, मेरा तो कुछ करनी होने। आदरिका का क्या बोलते हैं जो शीट होते हैं ना, जिसमें उसने लिखा हुआ, इसको स्क्रिप्ट बोलना PTC, वो ये रही। और हम यहाँ से सोच रहा हूँ कि नीचे छोड़ दूँ थर्ड फ्लोर में। नहीं, एक कान पकड़ के सिटअप, कान पकड़ के सिटअप, कान पकड़ के, कसम से छोड़। बहन थी मेरी, तो मैंने सोचा दे देते हैं। बहनों को क्या बोलना फिर। अब हम लोगों का चल रहा था प्रैक्टिकल, एंड हम लोग अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। हमारी टीम के दो बंदे तो यहाँ, ये दोनों हमारे एक्टर्स हैं, रिया और सिमनन, दोनों प्रोड्यूसर। और सामने शांतनु, एंकर शांतनु एंकर है गाइस। सामने भी इन्हीं की पूरा न्यूज चैनल इन्हीं का। तो गाइस, ये हमारी टीम है। फटाफट हम लोग अपना डालूंगा मैं, फटाफट हम लोग अपना असाइनमेंट पूरा करते हैं, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सीन में। बाय द वे, 1 घंटा हो गया और हमारा असाइनमेंट अभी तक नहीं हो गाइस। पूरी टीम इतना हार्ड वर्क कर रही है ना, बिहाइंड द सीन आते बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। अभी हम लोगों ने बाय द वे लाइट्स लगाई हैं। हम लोग बैठ चुके हैं अब अपने स्टूडियो में, तो एक क्लिप जर्नलिज्म वाली, तो ये चेक करें हम जाके। कार, आप सभी का स्वागत है ग्राफिक एरा न्यूज में। मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं ग्राफिक एरा न्यूज। मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं चैतन्य बहुगुना, ये एक ब्लॉगर हैं, इनका चैनल मोनेटाइज होने वाला है कुछ ही दिनों में, और इनके 1700 से ज्यादा फॉलोवर भी, वो सब्सक्राइबर भी हैं। वो तो दिखाई नहीं रहा बस फ्रेम में। कैसा है तू? बस ऐसे रहे, क्या रखते से? ऐसे रहे, ऐसे रहे, हटा दे नीचे से, नहीं रखवाते ऐसे। मुश्किल दौर रहा स्टार्टिंग से, पहले फोन से ब्लॉग करता था, फिर जब कॉलेज में आया बेसिकली अपने आके जो लोकल लाइट थे किसी ने सपोर्ट नहीं करा। कॉलेज में आके मेरे को एक ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला दोस्तों का, जिन्होंने भाई मुझे हर एक चीज में काफी मोटिवेट किया। सबसे पहले तो मैं चैतन्य बहुगुना के बारे में ये बताना चाहूंगा कि लड़का मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन इसके ब्लॉग में दो चीज कभी नहीं होती, एक तो वल्गैरिटी, दूसरा कॉन्टेंट है ना। और दूसरा चीज, इसके ब्लॉग की एक पॉजिटिविटी बता रहा हूँ मैं, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है जिसे नींद नहीं आ रही है, तो बंदा इसकी ब्लॉग देख सकता है, उसे नींद आ जाएगी। और मैं जनता की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो कंटेंट है, आपकी कहीं भी उठते बैठते, हेलो गाइस दिस इज चैतन्य बहुगुना, तो आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? यूट्यूब में आता है कि अपनी लाइफ जर्नी कवर करने, कि कल को आगे को जो मेरी फैमिली हो, मेरी जनरेशन हो, काफ़ी लोग हो, मेरे दोस्त लोग हो, वो सब देखे हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करा था ना, आज हम लोग किस एक एज में हैं। मतलब हम सबका कॉलेज का पहला दिन मैंने कवर करा हुआ। जब मैं कभी भी परेशान होता हूँ ना किसी चीज़ को लेकर, मैं हमेशा वो पहली वीडियो देखता हूँ। गाइस, हम लोगों ने कहाँ से शुरू करा था ना, आज हम लोग कैसे हैं और कहाँ हैं, तो ये चीज़ है गाइस। में अपने दोस्तों को उतार देते हैं, आप कई बार ट्रिपलिंग कर रहे होते हैं, आप अपने दोस्तों को उतार के किसी लड़की को लिफ्ट देते हैं, तो ये क्या, ये कौन सी व्लॉगिंग है भाई आपकी? आप सब लोग ये सोच रहे थे कि मैं हमेशा व्लॉग करता था, पढ़ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं गाइस। हम लोग कैमरा हैंडलिंग भी करते हैं एंड काफ़ी कुछ शूट करते हैं, बट वो चीज़ें मैं दिखाता नहीं, मैं सिर्फ मस्ती मजाक दिखाता हूँ जो काफ़ी सही लगता है तुम सब चीज़ों को। एंड ऐसा नहीं, हम पढ़ते नहीं भाई। तो हम लोग अपना प्रैक्टिकल भी शूट करने वाले हैं, कैमरा हैंडलिंग गाइस। मैं आपको बताता हूं सबसे अच्छी चीज़, एग्जाम का माहौल बड़ा तनाव बन चुका है। मुझे सबसे अच्छा दोस्त अभी जो मिला है वो चैतन्य मिला है। गाइस, जो मैं तुम्हें कॉलेज में बोला था ना एक सरप्राइज के लिए, कि एक सरप्राइज है मैंने का, तो सीन कुछ जैसा है, हम लोगों को अपना असाइनमेंट देना है 15 तारीख को, जो कि कल है, और एक वीडियो एडिट करनी है, और वो ना एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है, उसमें ऐसा क्या है, मतलब जैसे न्यूज़ एडिट होती है ना प्रॉपर, पीछे से बैकग्राउंड चेंज, VFX इन सब चीज़ों का गेम है।
तो काफ़ी मुश्किल है। तो भाई अमन हम लोगों के साथ आ रहा है, पहले अमन बहुत नखरेबाजी कर रहा था, रोने भी लग गया था गाइस कॉलेज के आके, फिर मैंने दो तीन थोड़े इमोशनल डायलॉग मारे, तो ये इसकी शक्ल देखो गाइस, इसने बोला चल चल ही लेते हैं यार। बाद तुम्हें एक चीज़ दिखाते हैं, वहाँ सामने बादल वो चेक करो तुम, और वहाँ सामने मसूरी के पहाड़। इमोशनल डायलॉग नहीं, ब्लैकमेल बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करा गया गाइस हमें। एंड फटाफट घर चलते हैं, चाय बिस्कुट खाते और एडिटिंग दिखाते तुम्हें घर पहुँच के। चीयर्स भाई। वैसे तो GoPro की बैटरी ऑलमोस्ट डेड है, बट जब हम ये व्यू देखा ना भाई, हम लोगों ने सोचा GoPro क्यों ना निकाला जाए। एंड अमन भी हमारे साथ है, अमन ने बोला GoPro निकालो एंड ब्लॉग करो, तो हम मेन फ्लाईओवर पे, कोई उड़ा देगा इससे पहले चलते हैं गाइस। भाई तुम लोग ये चेक करो आगे का जो पहाड़ दिख रहा है ना भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल, मतलब देहरादून बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग गाइस। हो चुका है बाइक का तेल ख़त्म, ठीक है। हम पे दो बाइक थी, एक तो हमारी वाली जो N4 है वो वाली, और एक ये वाली, ठीक है। सोचा था कि हम बोतल में पेट्रोल लेके आएंगे, बट देहरादून में कहीं भी भाई बोतल में पेट्रोल अलाउड नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको डला दें और फिर यहाँ से इसका लॉक तोड़ देंगे। बाकी आगे दिखा दें तुम्हें भाई, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी का नाम है चलते जाओ, रुको मत, चलते जाओ। पैसे भी गए अंदर समोसे लेने के लिए, चाय और समोसा खाने के लिए, तो बाकी आपको बाद में दिखाते हैं। लोग एज यूजुअल आए थे काल अंकल के यहाँ, हम लोगों ने हमेशा की तरह समोसे पैक कराए क्योंकि आज अमन भी है, तो एडिटिंग करते करते चाय और समोसे का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल भाई, मौसम भी काफ़ी सेक्सी हो रहा है। चलते हैं घर, तुम सबसे घर मिलेंगे, अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। वाह 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 वाह, कोई बात नहीं। फाइनली गाइस हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, काफ़ी सही लग रहा है, दो तीन दिन बाद, दो तीन दिन तो नहीं, एक दो दिन बाद अपने घर आके। एंड भाई बहुत ज़्यादा ही घर की, हेलो मेरे बेटे, हेलो मेरे बेटे।